हेलो दोस्तों, मैं आदित्य शंकर स्वागत करता हूं आपका आपके चैनल बायोलॉजी विजार्ड पे। हमने रिप्रोडक्शन के सारे टॉपिक आपको पढ़ा दिए थे। हमने पढ़ा दिया था पहला टॉपिक लेक्चर इंट्रोडक्शन पढ़ाया था, दूसरे में हमने पढ़ाया था मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कुछ चीज़ें बची थी जिसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस के बाद स्पर्म कहाँ बनता है, सब कुछ बता दिया था। आज हम बात करेंगे कि उनमें जो नलियाँ होती हैं, डक्ट होते हैं, उनकी बात करेंगे। तो आज का जो हेडिंग है उसको हम क्या बोलते हैं, एसेसरी डक्ट। तो आज किसके बारे में पढ़ेंगे भैया? आज पढ़ेंगे हम मेल एसेसरी डक्ट। एक फिगर बनाएंगे, उसके माध्यम से सब कुछ समझेंगे। मेल एसेसरी डक्ट, डक्ट मतलब होता है पाइप। डक्ट मतलब क्या होता है? पाइप। या हम बोल सकते हैं डक्ट मतलब होता है नली। क्या होता है? नली होता है। यह बात तो समझ में आ गई होगी, पक्का बताओ। हाँ। अब सर एक फिगर बनाना है हम लोग को। क्या बनाना है? फिगर। सर मान लीजिए हमने बना दिया यूरिनरी ब्लैडर। क्या बना दिया? यूरिनरी ब्लैडर। और यहां से हमने क्या किया, एक पार्ट ऐसे निकाला और आगे की तरफ भेज दिया, ठीक है, इस तरह। मतलब ये यूरिनरी ब्लैडर से निकला हुआ भाग है और एक हमने इसके ऊपर से ओवरलैप करके, ओवरलैप मतलब समझते हैं आप, ओवरलैप मतलब समझते हैं, इसके ऊपर से एक जाएगा लाइन, ऐसा हमने कर दिया। और यहां हमने ग्लैंड बना दिया, उसकी बात यहां करनी ही नहीं है। सर ऐसे किया, ओवरलैप करके एक बनाया। किसको ओवरलैप करता है ये डक्ट बेटा? ये करता है आपकी यूरिनरी ब्लैडर को। किसको करता है? यूरिनरी ब्लैडर। अब सर हमने बोला ये जो यूरिनरी ब्लैडर है, इसको ध्यान से देखना, इसको थोड़ा छोटा करते हैं ताकि समझ में आए, ठीक है। ये यूरिनरी ब्लैडर जो है ऐसे आएगा, ऐसे इनसे जुड़ेगा, ठीक है, इस तरीके से। अब क्या होगा, यहां पे हमने ग्लैंड एक और बनाया था, याद है कि नहीं? याद है, प्रोस्टेट ग्लैंड जिसको बोला था, और एक ग्लैंड और बनाया था जिसको हमने बोला था बल्बो यूरेथ्रल। क्या बोला था? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड बोला था। अब सर ये जो आपका आगे बढ़ेगा तो ये ग्लैंड्स पेनिस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ग्लैंड्स पेनिस कहलाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये क्या कहलाएगा? ग्लैंड्स पेनिस कहलाएगा। और इनके ऊपर एक लेयर होगा ऐसे बना हुआ जिसको हम बोलेंगे फोर स्किन। क्या बोलेंगे? फोर स्किन बोलेंगे। अब सर हमने बोला ये जो भाग है ये नीचे की तरफ आएगा, नीचे की तरफ आएगा, बोलिए हाँ या ना। और ये आ गया टेस्टीज में, जुड़ गया। किस में जुड़ गया? टेस्टीज। तो आप ध्यान से समझिएगा, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है कौन सा है? स्ट्रक्चर, उसको बहुत ध्यान से देखिएगा। सर बस डक्ट का नाम लिखेंगे और हम यहां किसी का नाम नहीं लिखेंगे, सिर्फ डक्ट का नाम लिखेंगे। अब हमने बोला शुरू करते हैं टेस्टीज। ये है मान लीजिए टेस्टीज। क्या है? ये आपका टेस्टीज है, ठीक है। अब हमने बोला कि आगे बढ़ते हैं, ये आगे जाएगा, इसी को हम बोलते हैं वास डिफरेंस। क्या बोलते हैं? वास डिफरेंस बोलते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ये आगे आएगा तो यहां एक डक्ट हमने बनाया था, याद है कि नहीं? याद है, इजैकुलेटरी डक्ट। क्या बनाया था? इजैकुलेटरी डक्ट बनाया था, याद है कि नहीं? याद है, इजैकुलेटरी डक्ट। पहला कौन सा ग्लैंड है? सेमाइनल वेसिकल्स है। और दूसरा है आपका प्रोस्टेट ग्लैंड। और जो तीसरा है आपका उसको हम बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। समझ में आया कि नहीं आया? अब सर हमने बोला आगे जब बढ़ेंगे तो ये जो डक्ट होता है इसको हम बोलते हैं यूरेथ्रा। क्या बोलते हैं? यूरेथ्रा बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं? और यहां से ये बाहर की तरफ आता है जिसको हम बोलते हैं यूरेथ्रल मीटस। क्या बोलते हैं? यूरेथ्रल मीटस बोलते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर सच सच बताइएगा। और ये तो आपका यूरिनरी ब्लैडर हो गया, याद रखना इसका नाम आएगा भी यूरिनरी ब्लैडर। क्या नाम होता है? यूरिनरी ब्लैडर नाम होता है। तो हमने जिसमें यूरिन भरता है, हमने बोला इसमें डक्ट क्या क्या दिख रहा है, और कुछ डक्ट होते हैं जो आपके टेस्टिस के अंदर होते हैं। तो मेल एसेसरी डक्ट की बात करें, पहले इस स्ट्रक्चर को आप ध्यान से समझिएगा और ध्यान से देखिएगा, तब आगे बढ़ते हैं। अब मेरी बात सुनना, मेरी बात सुनना ध्यान से। हमने क्या किया, इस टेस्टीज को हमने कट कर दिया। क्या कर दिया?
टेस्टीज को हमने कट कर दिया। और सर सबको पता है, हमने कल ही पढ़ाया था, अगर ना पढ़े हो तो कल का लेक्चर हमारा देख लो। जब काटोगे तो ऐसे एक स्ट्रक्चर मिलेगा, बोलिए हाँ या ना, ऐसे मिलेगा, बोलिए हाँ या ना। ऐसा स्ट्रक्चर एक मिला था भाई साहब, हाँ मिला था। और हमने बोला था ये कहलाता है रेटी टेस्टीज। क्या कहलाता है? रेटी टेस्टीज कहलाता है। और ये वाला जो होता है वो कहलाता है वासा इफरेंसिया, याद है कि नहीं याद है? और इसके नीचे वाला जो होता है ये कहलाता है इपीडेडिमस। और ये जो आपके एब्डोमेन में जाता है वो कहलाता है वास डिफरेंस। यही तो हमने बताया था, याद है कि नहीं? कल का हमने बोला टेस्टीज को काटा तो अंदर, तो देखते हैं कौन कौन से डक्ट इसमें मिले हैं। वास डिफरेंस डक्ट है, चलिए ऊपर जो एब्डोमेन में होता है, यूरेथ्रा बाहर की तरफ होता है कि अंदर? अंदर। यूरेथ्रा डक्ट है जो पेनिस में आके खुलता है। अब हमने बोला टेस्टीज के अंदर कौन कौन से डक्ट है, रेटी टेस्टीज, वासा इफरेंसिया, इपीडिडिमस, वास डिफरेंस। अब मेरी बात को समझना, हमने जो कुछ आपको बना के दिखाया, असल बात ये जो डक्ट होता है कौन होता है? डक्ट। इतना बात समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। ये जो डक्ट होता है कौन होता है? डक्ट, ध्यान से समझना। डक्ट मतलब होता है नली। जैसे ये डक्ट है, मान लो एक नली है, क्या है? नली है, नली तो है। अब जैसे यही है आपका, अगर इसको पकड़ो और पकड़ के खींच दो तो नली जैसा ही रहेगा, इसको पकड़ो और खींचो नली के जैसा होगा कि नहीं होगा? तो हमने बोला ये एक नली जैसा है। अब भाई साहब ये नली जैसा है तो ये अपने अंदर कुछ स्टोर करेगा, चलिए बात समझ में आया। ट्यूब लाइक कैसा होता है? ट्यूब लाइक होता है, ट्यूब के जैसा। कैसा होता है? ट्यूब लाइक। अब ये क्या करेगा? स्टोर करेगा, अपने अंदर रखेगा कुछ समय के लिए, फिर आगे भेजेगा। एंड ट्रांसपोर्ट करेगा एक जगह से, मान लो ये स्पर्म बना, इसको यहां से कहां भेजेगा? बाहर की तरफ भेजेगा, कुछ देर अंदर रखेगा। तो स्टोर भी करेगा और क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट करेगा। क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट करेगा। और सर स्टोर किसको करेगा, ट्रांसपोर्ट किसको करेगा? अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया स्पर्म को। किसको? स्पर्म, क्योंकि मेल में बनता क्या है? ओवम तो बनता नहीं है, मेल में क्या बनता है? स्पर्म बनता है। इतनी बात सर समझ में आ गई होगी आपको। अब ये जो स्पर्म है, ध्यान से सुनना, कहां से निकला ये स्पर्म? कहां से निकला ये भाई साहब? निकले फ्रॉम टेस्टीज। कहां से निकला? फ्रॉम टेस्टीज। टेस्टीज के सेमनी फेरस ट्यूब्यूल। क्या बोला? टेस्टीज के सेमनी फेरस ट्यूब्यूल में बनते हैं, मतलब यही बनता है, यही होता है सेमनी फेरस ट्यूब्यूल। तो यहां स्पर्म बना, रेटी टेस्टीज में आया, रेटी टेस्टीज से वासा इफरेंसिया इपीडिडिमस से होते हुए वास डिफरेंस में पहुंचा, मतलब यहां से कहां पहुंच गया? वास डिफरेंस। कहां पहुंचा? वास डिफरेंस में पहुंचा। समझ में आया कि नहीं? और वास डिफरेंस से आगे स्पर्म जाएगा ऐसे धीरे धीरे, ओवरलैप होते हुए कौन गया है? आपका वासा, वास डिफरेंस। आगे जाएगा, आगे जाएगा और जाएगा इजेकुलेटरी डक्ट के पास, वहां से फिर कहां जाएगा? यूरेथ्रा। यही रोक दो। स्पर्म निकला कहां था? टेस्टिस से। अब पहुंचा कहां? यूरेथ्रा। तो हमने क्या बोला? स्पर्म भाई साहब स्टोर ट्रांसपोर्ट था। स्पर्म कहां से निकला था? टेस्टिस से। और कहां को जाएगा? टू यूरेथ्रा। कहां जाएगा? यूरेथ्रा जाएगा। समझ में आया कि नहीं? यूरेथ्रा से ही आपका यूरिन भी निकलता है, ये बात समझ में आया कि नहीं? यूरेथ्रा एक नली है, एक डक्ट है, जिससे स्पर्म भी आता है, जिससे आपका यूरिन भी आता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर हमने बोला यूरेथ्रा हो तो गया। अब सर एक आपसे बात बताऊं, आपको बहुत पॉइंटेड बात करूंगा, फालतू नहीं। जो यूरेथ्रा होता आप पूछोगे ये कहां से निकला है, कहां से बना है, तो लिख दो ओरिजिनेट। क्या बोला बेटा? ओरिजिनेट फ्रॉम। कहां से इसकी उत्पत्ति? जैसे हमारा ये उंगली है, ये उंगली है तो ये हमारे पाम से निकला है, मतलब इससे निकला है, इससे निकला है। अगर बोला जाए बाल का ओरिजिनेशन कहां? हमारे सर से निकला है। तो देखते हैं ये कहां से ओरिजिनेट होता है, ओरिजिनेट फ्रॉम। लिखना है बेटा, आओ फिगर देखते हैं। यही यूरेथ्रा है नली, यही नली यूरेथ्रा है कि नहीं? यही नली तो यूरेथ्रा है, यही नली यूरेथ्रा। ये नली पीछे ले जाओ, पीछे ले जाओ, पीछे ले जाओ। ओ माई गॉड, ये नली किससे निकली है बेटा? ये निकली है यूरिनरी ब्लैडर। आ जाओ, तो ओरिजिनेट फ्रॉम कहां से? यूरिनरी ब्लैडर। तो हमने लिख दिया यूरिनरी ब्लैडर से। कहां से निकली है? यूरिनरी ब्लैडर। जो आपका यूरिनरी ब्लैडर है ऐसे है ना, यही बनाता है यूरेथ्रा। क्या बनाता है? यही यूरेथ्रा बनाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं?
आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसे आया, ऐसे जुड़ा, समझ रहे हो ना हमारी बात? यह यूरेथ्रा को निकालता है। अब सर हमने बोला यूरेथ्रा का एक पॉइंट तो आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या होगा, ये जो यूरेथ्रा है आगे की तरफ बढ़ता है, क्या होता है आगे की तरफ एक्सटेंड, एक्सटेंड मतलब समझते हो, एक्सटेंड मतलब होता है आगे बढ़ना, लिख लो आगे बढ़ता है, कहां बेटा आगे बढ़ता है। अब आगे बढ़ता है मतलब समझ गए होगे, एक्सटेंड होता है, और एक्सटेंड होके आप बताओ कहां जाएगा, फिगर में देखो, एक्सटेंड होगा तो किधर जाएगा, पेनिस की तरफ, किधर जाएगा पेनिस की तरफ, किधर जाएगा पेनिस, जिसको हम बोलते हैं ग्लैंस पेनिस, क्या बोलते हैं ग्लैंस पेनिस बोलते हैं। तो यूरेथ्रा जब एक्सटेंड आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ के कहां किससे मिलेगा, जाके मिलेगा पेनिस से, किससे मिलेगा बेटा पेनिस। ये बात समझ में आई, फिगर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब ये जाएगा और आगे बढ़ता है और किसके थ्रू बेटा पेनिस, जाएगा मिलेगा किससे पेनिस, तो थ्रू दी पेनिस, पेनिस से होते हुए या पेनिस के द्वारा ये ओपन हो जाएगा। देखो कैसे आएगा, पेनिस में आया, अब ये जो पाइप है ये खुल जाएगा, देखो यहां खुला हुआ है, और इसी खुले हुए भाग को हम क्या बोलते हैं यूरेथरल मीटस। तो अगर बोला जाए ये जो यूरेथरा है ये किस में खुल रहा है आके, इस नली में खुल रहा है जिस नली का नाम होता है यूरेथरल मीटस, इसी से तो यूरिन बाहर निकलता है, इसी ये छिद्र है बेटा, क्या है छिद्र, हम बोल सकते एक छेद है, छिद्र है, पोर है, जिधर से आपका स्पर्म भी आता है यूरेथ्रा से होते हुए, इधर ही से आपका यूरिन भी आता है, बोले तो यूरेथ्रा से होते हुए। ये बात समझ में आया कि नहीं? पेनिस से होते हुए किस में खुलेगा बेटा, ओपन होगा, ओपन माने खुलना, इनटू यूरेथ्रल मीटस, किस में यूरेथ्रल मीटस, समझ में आया कि नहीं? तो भाई साहब याद रखना कि आपका जो डक्ट है एक नली है जो स्टोर करता है, ट्रांसपोर्ट करता है स्पर्म को, कहां से स्पर्म बनता है टेस्टिस से, कहां जाता है यूरेथ्रा, यूरेथ्रा आगे बढ़ता है किसके द्वारा पेनिस, और किस में खुलता है यूरेथ्रल मीटस, और इधर से स्पर्म बाहर आ जाता है फीमेल के वेजाइना में चला जाता है, आगे बढ़ता है, फर्टिलाइजेशन होता है, सब कुछ होता है। अब यूरेथ्रा कहां से बना, यूरिनरी ब्लैडर, ये नली आगे बढ़ती है तब जाके यूरेथ्रा बनता है। इतनी बात सर समझ में आई हो तो आगे बढ़ते हैं। अब सर मेरी बात समझिएगा, कुछ स्टेप मैंने आपको बताया था, कुछ स्टेप बताया था उसको लिख लेना, बस ऐसे पॉइंटेड करके लिखना। सर हमने बोला था सेमिनी फेरस ट्यूब्यूल, क्या बोला था सेमिनी फेरस ट्यूब्यूल, याद रखना ये टेस्टिस के अंदर होता है, इसकी कोई बात नहीं करेंगे। इसके बाद आता है रेटी टेस्टिस, क्या आता है रेटी टेस्टिस आता है, रेटी टेस्टिस के बाद आता है वासा इफ्रेंसिया, क्या आता है वासा इफ्रेंसिया आता है, और वासा इफ्रेंसिया के बाद आता है इपीडाइडिमस, क्या आता है इपीडाइडिमस, और इपीडाइडिमस के बाद ऐसे लिख दो के बाद, इतना इतना बस लिखो, इतना लिखो बस, अभी इतना लिखो। ये जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, ये जितने हमने पार्ट लिखे हैं सब किसके अंदर होते हैं टेस्टिस के अंदर, किसके टेस्टिस के अंदर होते हैं, इनसाइड दी टेस्टिस, और हमने लिखा किसके बाहर होते हैं एब्डोमेन के, एब्डोमेन के कहां होते हैं बेटा बाहर, एब्डोमेन के बाहर लिख दो, एब्डोमेन के बाहर होते हैं, ठीक है ये समझ में आ गया। अब इपीडाइडिमस जब आगे बढ़ेगा तो आगे बढ़ने पे कौन आएगा, सबको पता है वास डिफरेंस, कौन आएगा वास डिफरेंस आएगा। अब ये जो वास डिफरेंस है बेटा ये लिख लो टेस्टिस से बाहर, कहां होता है टेस्टिस के बाहर होता है, और एब्डोमेन के अंदर, एब्डोमेन माने पेट में चलाता है, कहां चलाता है पेट, एब्डोमेन के अंदर, किसके अंदर बेटा एब्डोमेन के अंदर। अभी हमने फिगर में बताया था, देखो कैसे, इधर देखो ध्यान से देखना, ध्यान से देखो ये टेस्टिस वाला भाग है, ये सब एब्डोमेन में, हमारा यूरेथ्रल यूरिनरी ब्लैडर कहां होता है, यहां होता है ना, जब कभी कभी यूरिन भरता जाता है सब जगह नहीं मिलता, नहीं निकाल पाते हैं तो फिर दर्द नहीं होता है, नीचे तो होता नहीं है ऊपर ही होता है। हमने बोला ये टेस्टिस को ढक दो,
और ऊपर देखो वास्ट डिफरेंस है, ये टेस्टिस के अंदर नहीं है, टेस्टिस के बाहर है। चलो इसको हटाओ, टेस्टिस को काटा तो उसके अंदर ये सारे हमको दिखे, कौन कौन दिखा, रेटी टेस्टिस, वासा इफरेंसिया, इपिडाइडिमस। समझ में आया कि नहीं है? सेमनीफेरस टिब्यूल से लेके कहां तक, सेमनीफेरस टिब्यूल से लेके भाई साहब इपिडाइडिमस तक चीजें टेस्टिस के अंदर होती हैं और एब्डोमेन के बाहर। और जैसे ही वास डिफरेंस आता है तो ये टेस्टिस के बाहर होता है और एब्डोमेन के अंदर। इतनी बात सर समझ में आई कि नहीं, आई कि नहीं आई? अब सर थोड़ा सा वास डिफरेंस के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। किसके बारे में? वास डिफरेंस के बारे में बात कर लेते हैं, समझिएगा। वास डिफरेंस, सर अगर वास डिफरेंस की बात करें तो मेरी बात को ध्यान से समझना, घबराना नहीं। वास डिफरेंस जो होता है एक लूप बनाता है, क्या बनाता है? लूप। जैसे मान लो ये यूरिनरी ब्लैडर है, यही है ना, ठीक है। अब ये आगे की तरफ ऐसे आएगा, ये तो यूरेथ्रा हो गया, ठीक है। ऐसे एक स्ट्रक्चर आता है ऐसे करके, समझना, इस तरीके का, ठीक है। इसी को बोलते हैं वास डिफरेंस। देखो अगर कोई चीज ऐसे आपके ऊपर से जा रही है तो वो लूप कहलाता है। क्या कहलाता है? लूप बना के ऊपर से लेके चले गए। देखो वास डिफरेंस, लूप बना के यूरिनरी ब्लैडर, किसके ऊपर लूप बना रहा है? यूरिनरी ब्लैडर लूप बना के आगे की तरफ बढ़ रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बोलिए हाँ या ना। तो क्या होता है वास डिफरेंस, ये भाई साहब ये पहला पॉइंट लिखो, ये एब्डोमेन में चला जाता है। कहां चला जाता है? एब्डोमेन में चला जाता है, पहला पॉइंट कहां चला जाता है, इसीलिए बोलते हैं वास डिफरेंस कहां प्रेजेंट होता है? एब्डोमेन। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट में वास डिफरेंस के बारे में कि फॉर्म कुछ बनाता है, फॉर्म माने बनाना, क्या बनाता है? ओवर लूप, चाहे लिखो लूप, क्या बनाता है? लूप बनाता है, क्या बनाता है? लूप, फॉर्म लूप। लूप मतलब समझ गया, ऐसा स्ट्रक्चर कहीं दिखे समझ लो लूप, देखो ऐसा स्ट्रक्चर है लूप बना लिया। अब सर ये जो लूप बना रहा है किसके ऊपर बना रहा है, जल्दी बोलो, ये लूप किसके ऊपर बना रहा है? यूरिनरी ब्लैडर। तो लिख दो ओवर द यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। समझ में आया कि नहीं, बोलो हाँ या ना। यूरिनरी ब्लैडर, सर क्लियर है? वास डिफरेंस एब्डोमेन में चला जाता है, वास डिफरेंस ये वाला भाग देखो एब्डोमेन, पेनिस टेस्टिस बाहर रहते हैं, बाकी सब एब्डोमेन में। ये क्या बनाता है? लूप, देखो लूप बना रहा है, किसके ऊपर बना रहा है? यूरिनरी ब्लैडर। ये बात सर समझ में आ गई होगी कि नहीं? आ गई होगी कि नहीं? आ गई होगी कि नहीं? अब सुनना, ये भाई साहब लूप बना के ऐसे आगे बढ़ेंगे, लूप बनाएंगे ऐसे आएंगे आगे, और आएंगे किसमें खुल जाएंगे? यूरेथ्रा में। किसमें खुल जाएंगे? यूरेथ्रा। देखो लूप बनाया, आगे आया यूरेथ्रा में खुल गया, समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसे लूप बनाया, आया यूरेथ्रा में, ये पूरा भाग यूरेथ्रा का ही होता है, यहां से लेके भाग किसका? यूरेथ्रा, नीचे पेनिस होता है। तो लिख दो ओपन इनटू यूरेथ्रा, क्या लिखेंगे बेटा? एंड ओपन इनटू यूरेथ्रा, लूप बनाया और खुल गया किसमें आके? ओपन इनटू यूरेथ्रा, किसमें खुल गया बेटा? यूरेथ्रा में आके खुल गया, ठीक है ना। इसीलिए बोलते हैं कि ये एक इजैकुलेटरी डक्ट की तरह काम करता है, इजैकुलेशन चीजों को लाता है फिर वहां उड़ेल देता है, तो ये एक इजैकुलेटरी डक्ट की तरह काम करता है वास डिफरेंस। इतनी बात सर समझ में आ गया कि नहीं आ गया?